नमस्कार दोस्तों, अकाउंट्स मस्ती चैनल में आपका स्वागत है। हम बुक शिवलाल चैप्टर नंबर 3 के आगे के क्वेश्चंस आज करेंगे, जो कि पेज नंबर 130 में है। इसके पहले हम 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं, आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, राम श्याम एंड विराम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 2, 3, 4। ये कौन सा रेशो कहलाएगा? ओल्ड रेशो। इन फ्यूचर दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड रेशो ऑफ 1, 2, 3। ये कौन सा रेशो है? न्यू रेशो दिया है। ये जो पहले दिया रहता है वो ओल्ड, और जो बाद में वो न्यू। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन का पढ़ लिया अपन ने, समझ लिया। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, वो उसमें भी देख लीजिए। जो जिसने इसके पहले वाली वीडियोस नहीं देखी उनको नहीं पता होगा, इसलिए बता देती हूँ एक बार फिर से। सेक्रीफाइसिंग रेशो का होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। मतलब हमें जब सेक्रीफाइसिंग निकालना रहता है तो हम ओल्ड रेशो माइनस न्यू करते हैं, लेकिन गेनिंग निकालना रहता है तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन 5, राम श्याम विराम तीन पार्टनर्स हैं, उनका पहले रेशो कितना था? 2, 3 और 4। और उनका न्यू रेशो राम श्याम और विराम का है 1, 2, 3। चलिए निकालते हैं इसका। पहले हम निकालेंगे राम का 2। निकालने के लिए हम राम का निकाल रहे हैं, इसलिए हमने ये 2 लिखा। इसको इसको और इसको तीनों को प्लस कीजिए, कितना होगा? तीनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा? 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9। ठीक, अब यहाँ पर राम कहाँ है? ये है, मतलब माइनस करके 1 बाय 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6। ये हो गया। अब एलसीएम लेते हैं। एलसीएम निकालने की कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, एलसीएम फटाक से निकाल लेते हैं। रफ वर्क है ये 9 और 6 का। सबसे छोटी संख्या क्या है? 2, लेकिन ये 3 से जल्दी कर जाएगा, अपन 3 से कर लेते हैं। 3 3 9, 3 2 जा, एक बार और 3 से करेंगे, फिर 2 से कर लेंगे। पहले अपन 2 से भी कर सकते थे, तो बाद में 3 3 से करते तो भी उतना ही आता। 3 2 6 6 3 18, कितना आ जाएगा? 18। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अब इन दोनों का एलसीएम तो 18 आ गया। अब हम एक चीज़ बताएंगे, देखिए। अब 9 2 18, तो यहाँ 2 में किसका इंटू होगा? 2 का। 9 2 18, तो 2 का इंटू यहाँ होगा, तो 2 2 4 माइनस 6 3 कितना होता है? 18। अब 1 में इंटू किसका होगा? 3 का। कैसे? 6 3 18, 6 तो दिया है लेकिन 3 नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे अपन 3 का इंटू करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब पॉजिटिव निकला है, मतलब क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशो। पॉजिटिव मतलब सेक्रीफाइसिंग, नेगेटिव मतलब गेनिंग रेशो। ये हमारा किसका निकालिए? राम का। अब श्याम का निकालने के लिए 3 बाय डिनोमिनेटर तो चेंज होगा नहीं, सिर्फ आप ये श्याम का 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता, ना ही इसका एलसीएम चेंज होगा। 9 2 18, 2 करें 3 2 16, माइनस 6 3 18, 3 2 6, इसका क्या आ गया? निल। मतलब ना ये सेक्रीफाइस कर रहा है ना ये गेन कर रहा है, तो इसका यहाँ पे लिख देंगे सीधे निल। अब कौन बचा है? विराम। विराम का निकालने के लिए यहाँ क्या लिखा है? विराम का क्या है रेशो? 4, यहाँ 3, तो लिखेंगे 4 बाय 9 माइनस 3 बाय 6, इसका एलसीएम कितना आएगा? 18। 9 2 18, तो 4 2 8 8, माइनस 3 6 18, 3
सिक्स ज़ा 18, तो 6 तो दिया है, 3 नहीं दिया, 3 ज़ा 9, ये देख लीजिए नेगेटिव निकला, मतलब ये क्या कर रहा है, गेन। पॉजिटिव मतलब सैक्रिफाइजिंग, लेकिन अगर नेगेटिव है तो क्या करेगा, गेन करेगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए एक बार अच्छे से, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो थोड़ा सा अलग है। वो कैसे अलग है कि उसमें ना एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चंस आ जाएगा, बस कुछ नहीं करना है हमें, जितना हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 में, 4 में, 1 में, 2 में किया उतना ही करना है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ बढ़ जाएगी उसमें, क्या पड़ जाएगी कि हमें एक गुडविल दी रहेगी। जैसे मान लीजिए इस फर्म की गुडविल हमें दी हुई है 50,000, ये हम क्या बता रहे हैं, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, यहाँ लिख लीजिए जिससे कंफ्यूजन ना हो, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इसकी इतनी दी है। तब ये तो फर्म की दी है, इनको डिवाइड करना है, तो इनको इस रेशो में, जो अभी हमने निकाला इस रेशो में 1/18 करके हम इनको डिवाइड कर देंगे, तो जो भी निकलेगा वो जो होगा वो हमारी आर की होगी, राम की होगी, और जब हम इससे करेंगे तो वही विराम की होगी, वही राम की होगी, इसमें जो श्याम रहेगा उसको नहीं मिलेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में करना है, ना कि 5 में, ये हमने समझाने के लिए किया है, इसमें ध्यान ना दें, ये रब वर्क है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सिर्फ इतना ही है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्वेश्चन ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। कुछ नहीं करना है, जो हमने रेशो निकालने में करते हैं वही करना है, बस सिर्फ एक चीज़ बस इसमें करनी है। जैसे देख लीजिए इसमें भी 50,000 ही गुडविल दी हुई। चलिए क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं अपन। क्वेश्चन दिया है, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 6:4। ठीक, मतलब दो ही पार्टनर है तो इनका ओल्ड रेशो क्या दिया है, 6:4। दे डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, मतलब नया रेशो क्या है, 1:1 का। फॉर दिस पर्पस द गुडविल वॉज वैल्यूड एट 50,000, पास नेसेसरी एंट्रीज फॉर द एबव एडजस्टमेंट। कुछ नहीं करना है, ये दिया है ओल्ड, न्यू दिया है 1:1 का, माइनस करेंगे अपन, आंसर निकालेंगे, आंसर निकालने के बाद गुडविल जो दी है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन तो समझ गए, करना भी है। क्वेश्चन 6, कौन कौन वाई जेड पार्टनर्स हैं, वाई और जेड। वन वन दिया है पहला वाला, 6:4 दिया है, वाई में आ जाएगा 6/10, 6+4 10। अब तो ये बनने लगा होगा, जब हम डिनोमिनेटर करते हैं तो दोनों को प्लस कर दे तो 10 आ गया। माइनस कर देंगे 1/2, 1+1 2। ठीक, इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 10, 6 10 1 10, तो 6 -2 5 10, तो कितना आएगा 5, क्या आएगा 1/10। ठीक, जेड ये क्या निकला अपना, सैक्रिफाइसिंग रेशो, यहाँ लिख लीजिए सैक्रिफाइस। अब यहाँ पे आएगा 4/10 -1/2, अभी 4/10 कैसे आए बताते हैं, ये 4 इसका है, 1/2 इसका है, डिनोमिनेटर चेंज होता नहीं, अपन को न्यूमिनेटर बस चेंज करना है। अब यहाँ पे कितना एलसीएम आएगा, 10। हाँ, एलसीएम भी आपको बता देते हैं एक बार, और वैसे तो बहुत सिंपल है, फिर भी बता देती हूँ एक बार और कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। 2 5 10, 2 1 2, अब यहाँ 5 आ गया, 1 और 1 आ गया, देख लीजिए। अब इन दोनों को अपन इनटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, यस। अब ये 10 1 10, 4 1 4, 2 5 10, तो कितना आएगा, 5, क्या निकला,
गेनिंग रेशियो। इतना तो अपन क्वेश्चन नंबर 5 तक करते आ रहे हैं, अब क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें यही करना था। बस अब आएगा अपना एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जो क्वेश्चन दिया है वह एग्जैक्टली अब स्टार्ट होगा। इतना तो अपन क्वेश्चन नंबर 5 तक भी कर रहे हैं। अब यहाँ लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब कितनी गुडविल दी हुई है फर्म की, 50,000। अब अपन वाई का निकाल रहे हैं, वाई का कितना निकला, इनटू कर देंगे 1/10। क्या करेंगे, इनटू, इसीलिए क्योंकि हमें वाई की निकालनी है। अगर जब हम जेड की निकालेंगे तो इनटू 1/10 ही करेंगे, दोनों की वही है, एक ही बार में निकल जाएगी। बस ये होगा कि जो पॉजिटिव निकलेगा वो क्रेडिट, जो नेगेटिव निकलेगा वो डेबिट, क्योंकि गेन है। तो हम इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, 5,000। यही सेम जेड की निकलेगी, सिर्फ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं जेड की भी। जेड की है -1/10, 0 से 0 कैंसिल, -5,000। ये हो जाएगा हमारा डेबिट का पार्ट, ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट का पार्ट। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। बस इतना ही आपको करना है, आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ इतना ही करना है। अपन इतना क्वेश्चन नंबर 5 तक करते आए हैं, सिर्फ इतना सा स्टेप बढ़ा है। 3 पार्टनर दिए हैं तो 3 में बांटना है, 2 दिए हैं तो 2 में बांटना है, ठीक है। आप क्वेश्चन आंसर बुक में भी चेक कर सकते हैं। ये देख लीजिए, डेबिट जेड एंड क्रेडिट वाई वाई 5,000 दिया है ना, ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं, वो भी बहुत सिंपल है। एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक बट इट इज वर्थ ₹36,000। द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन। गिव अ जनरल एंट्री, ऑल्सो इंडिकेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन्स एंड लॉस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। ओके, क्वेश्चन ही करना है। गुडविल 36,000 दी है, तीनों पार्टनर का अपन माइनस करेंगे तो हमारा न्यू रेशियो निकल आएगा, उसमें हम 36,000 को बांट देंगे। चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन 7, एक्स वाई जेड, पहला क्या दिया है 4:3:2, दूसरा क्या दिया है न्यू वाला मतलब इक्वल दिया है। बस अब हम एक्स की निकालेंगे, 4 + 3 7 + 2 9 -1/3, इसका तो प्लस करने की जरूरत नहीं, 1 + 1 + 1 = 3 होता है। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, 9 आएगा, क्यों 3 से काटेंगे तो 3 × 1 = 3 3 × 3 = 9। कर लेते हैं एक बार फिर भी रफ वर्क, यहाँ क्या दिया है 9, यहाँ 3 3 से काटा 3 1 3 1, आगे कितना आया 9 आया, 9 लिख देंगे, 9 × 9 = 4 × 4 -3 × 3 = 9 तो 3 आ जाएगा। 1/9 क्या निकला, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, पॉजिटिव मतलब सैक्रिफाइस, नेगेटिव मतलब गेन। y का आएगा 3/9 -1/9 कितना 9, 3 माइनस 9 × 9 × 1 3 × 3 = 9 मतलब 3, 0/9 निल आ गया। अब z का 2/9 -1/3, इसका एलसीएम 9 9 × 9 = 2 -3 3 = 9 3 -1/9। इतना अपन को समझ में आ गया, हाँ आ गया, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक 7 तक पूरा यही करना है। अब आता है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ठीक। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल में अब हम क्या करेंगे,
जो गुडविल दी हुई है, कितनी गुडविल दी है? 36,000। 36,000 को अब हम बांटेंगे। चलिए यहाँ लिख लीजिए एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, लिख लीजिए यहाँ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कितने की? 36,000 की। चलो एक्स को देते हैं, कितना है? 1/9, 9 से काटू, 9 4 36, कितनी आ गई? 4,000। मतलब कि जब इन लोगों ने अपना बिजनेस चालू किया था तो एक्स कितनी गुडविल आया था? 4,000 रुपीस, इस क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए अब वाई की तो हम निकालेंगे नहीं क्योंकि पूरा ही जीरो हो जाएगा, नेल आया है। जेड की निकालेंगे तो जेड की भी इतनी ही आएगी, सिर्फ यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। फिर भी निकाल लेते हैं हम एक्स। अब जेड की बारी, जेड की कितनी है? 36,000 इंटू -1/9, तो -4,000, 9 4 36, 9 का टेबल तो आता ही होगा आप लोगों से। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर। क्वेश्चन 7 भी आपका कंप्लीट हो चुका है, ये देख लीजिए। जेड डेबिट जेड बाय 4,000, क्रेडिट एक्स बाय 4,000, ठीक है। इसकी जो नेसेसरी जो जनरल एंट्री होगी ना, जैसे कि अब ये आया है, ये डेबिट है, तो ये हो जाएगा जेड्स अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट क्रेडिट। यही बस जनरल एंट्री है जो उसमें दिया हुआ है, पास द जनरल एंट्री।